आफ्ताब श्रद्धा जो मर्डर केस है, जिसमें आफ्ताब ने बड़े साइंटिफिक तरीके से वेल प्लान करके उसका मर्डर किया मई में और उसके 35 टुकड़े किए। अब जब दिल्ली पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो एक लेमैन की तरह है कि आफ्ताब बताता है, वो ढूंढने चले जाते हैं। तो 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो और दिल्ली पुलिस हैंडीकैप है, इसके पास पूरे साइंटिफिक मेथड नहीं है, इनकी जो टीम है वो भी वेल ट्रेन नहीं है। इसको हम CBI इंक्वायरी चाहते हैं, इसलिए जोशिनी तुली जो एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने आज PIL फाइल की है बिफोर द चीफ जस्टिस, जिसमें हमने मांगा है कि CBI इस केस को इंक्वायरी करे, क्योंकि CBI इज़ वेल इक्विप्ड और उसमें FSL रिपोर्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होती। नॉर्मल पुलिस में काफ़ी देर लगती है और इसको नॉर्मल केस नहीं लिया जाए, क्योंकि अगर इसको सबूत मिटा दिए जाएं और CBI प्रॉपरली इंक्वायरी करेगी तो सबूत मिलेंगे, तभी हम लोग जो मुलजिम है, जो आफ्ताब है, तभी उसको जो भी सजा कोर्ट देता है, फांसी देता है, उम्र कैद देता है, उस हिसाब से मिल सकता है। क्योंकि खाली नारे लगाने और डिमॉन्स्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया है और डिमांड किया है कि इसको दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर करे CBI इंक्वायरी के लिए।